हेलो मॉम एंड डैड, मैं डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता, आपके बच्चों का पीडियाट्रिशियन, फेलो इन फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम अपना टॉपिक लेकर आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जन्म के बाद बच्चों की केयर किस तरह से रखी जाए, आपके नवजात शिशु का आपको ख्याल किस तरह से रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और मैं सबसे पहले उन सब मॉम एंड डैड को उनका स्वागत करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो इस माँ और पिता बने हैं। तो साथियों, अगर आपने मेरा इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस YouTube को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन, मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, चलते हैं आज के इस टॉपिक पर कि बच्चों का ख्याल जन्म के बाद किस तरह से रखना है। तो साथियों, जैसे कि आपके बच्चे ने हॉस्पिटल में या घर में कहीं पर भी जन्म लिया हो, जन्म के तुरंत बाद सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे का रोना। बच्चा जन्म के कितनी देर बाद रोया है, यह बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे महत्वपूर्ण है कि कहीं आपके बच्चे को ऑक्सीजन की किसी प्रकार से कमी तो नहीं हुई है। अगर बच्चा अस्पताल में जन्म लेता है तो ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, घर पर जन्म लेता है तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके बच्चे का वजन जन्म के बाद आपको लेना आवश्यक है, क्योंकि ये आगे भी महत्वपूर्ण होता है, जो कि सामान्यतः 2.8 केजी से 3.4 केजी तक इंडियन सिनेरियो में होता है, और इनिशियल 3-4 डेज में ये कम होता है, क्योंकि बच्चे का जो पानी है वो एक बार कम होता है, और उसके साथ ही साथ क्योंकि उसके किडनी फंक्शन और ये मेंटेन होते हैं, और यह धीरे धीरे 9 से 10वें दिन तक वापस अपने जन्म के वजन का गेन कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे का आपका जन्म के समय वजन 3 किलो है, तो वो 2 किलो 700 ग्राम, 2 किलो 750 ग्राम तक यूजुअली वो वजन रह जाता है, और 6-7वें दिन से गेन होना चालू हो जाता है, जो कि 10वें दिन तक आते आते वापस जन्म के वजन के बराबर 3 किलो का हो जाएगा। तो साथियों, इसके साथ साथ ही अगर आपके बच्चे ने अस्पताल में जन्म लिया है, तो डॉक्टर उसको विटामिन के का एक टीका लगाते हैं। इससे कंफ्यूज नहीं हो कि ये जन्म के समय विटामिन के का टीका लगता है, और इसके साथ साथ ही वैक्सीनेशन भी लगता है, जो कि 3 वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है जन्म के समय, पोलियो की खुराक, हेपेटाइटिस बी का टीका, और साथ ही साथ BCG का कंधे पर टीका। ये तीनों आपके बच्चे के लग गए, और इसका कार्ड आप अस्पताल से जरूर ले लें, और इस कार्ड को आगे तक मेंटेन करें, इस कार्ड को खोए नहीं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्ड है। साथ ही साथ आपके बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से ही आपके बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा मां के पेट के अंदर जब रहता है तब वो एक थैली में बंद रहता है, पानी के अंदर बंद रहता है, और उसके बाद आने के बाद उसका टेम्परेचर में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, तो वो परिवर्तनों से बचाने के लिए एनवायरमेंटल टेम्परेचर को, हो सकता है सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, तो अलग अलग मौसम में अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर ज्यादा सर्दी है तो आप उसके कैप लगाकर, हाथ पैरों में दस्ताने पहनाकर और अच्छे से रख सकते हैं, अदरवाइज एक साफ कॉटन के कपड़े में आप बच्चे को लपेट कर मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेचर को। साथ ही साथ मदर के द्वारा कंगारू केयर भी दी जा सकती है, उस पर एक हम अलग से वीडियो बना देंगे, आपको बता देंगे कि किस तरह से कंगारू केयर दी जा सकती है। इसके साथ साथ ही जन्म के समय अगर गर्भनाल है उसको किस तरह से आपको कट करना है, उसमें क्लीन हैंड, क्लीन क्लेयर होना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन नहीं हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ ये आपको करके देते हैं, और वो बताते हैं कि किस तरह से इसकी केयर करनी है। और ध्यान रखें कि बच्चा जो जन्म के तुरंत बाद है उसकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें इन्फेक्शन का खतरा काफी ज्यादा होता है, मां के एनवायरमेंट में तो वो स्टराइल होता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो उसके रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो ध्यान रखें कि आप बच्चे को कम से कम दूसरों को हैंडल करें, जब भी आप बच्चे को लें या कोई और भी टच करे तो क्लीन हैंड से, सैनिटाइजर से हाथ वॉश करके या साबुन से हाथ धो के ही टच करें, और कोशिश करें कि कम से कम हैंडलिंग हो, दूसरे लोगों को कम से कम आप टच करने दें, जितना जरूरत है उतना ही टच करें, अदरवाइज बच्चा मां के पास ही ज्यादा से ज्यादा रहे तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ बच्चे को हैंडलिंग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे को उछाले नहीं, बच्चे को तेज तेज नहीं हिलाएं, बच्चे को सामान्यतः जितना सिंपल है उस तरह से रखें, और बहुत ज्यादा उसको मूवमेंट ना करें, क्योंकि बच्चे में अभी बहुत ज्यादा इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि उसके नसें इतनी कमजोर होती हैं, हो सकता है कि उनमें
दिक्कतें हो सकती हैं, सर में खून बह सकता है या और दिक्कतें भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है। तो उछालना करना बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ गर्दन जब भी उठाएं गर्दन को सपोर्ट देकर उठाना है, तो यह आपको ध्यान रखना है। और अब बच्चे के आती है आपकी केयर, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्रेस्ट फीडिंग या फीडिंग। वैसे तो हमारा कहना यह है कि बच्चे को तुरंत बाद जन्म के जितना जल्दी हो सके 30 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करें, चाहे वो सीजरिन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, बच्चे को मां का जो गाढ़ा पीला दूध है कोलेस्ट्रम जिसे कहते हैं आप जरूर पिलाएं, क्योंकि उससे बच्चे में एंटीबॉडीज मिलती हैं और वो बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उससे व्यर्थ ना जाने दें, वो एक दो बूंदी होता है लेकिन उसको जरूर पिलाएं। साथ ही साथ बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में माँ का दूध जरूर पिलाना है, और अगर आप ऊपर का दूध किसी कारणवश पिला रहे हैं तो वो भी आपको 2 से 3 घंटे में बच्चे को जगाकर पिलाना है अगर बच्चा सो रहा है तो, क्योंकि इससे अगर आप बच्चे को नहीं पिलाएंगे तो हाइपोग्लाइसम हो सकता है और बच्चा इनिशियली डेज में काफी ज्यादा सोता है तो वो हो सकता है डिमांड ना करें। लेकिन आपको 10 से 12 बार दूध दिन में जरूर पिलाना है 24 घंटे के अंदर। साथ ही साथ शुरू के 6 महीने में कोशिश करें आप कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मां का दूध दें, क्योंकि बच्चे के लिए मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। और इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर जाके देख सकते हैं क्लिक पर क्लिक करके कि मां का दूध किस तरह से आपको लगाना चाहिए, किस तरह से बढ़ा सकते हैं और किस तरह से बच्चे को पिलाना चाहिए। तो अटैचमेंट मां के साथ, मां के आंचल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लैचिंग कहते हैं। और लैचिंग की प्रक्रिया जितनी अच्छी होगी मां का दूध उतना ही अच्छा आएगा। साथ ही साथ बच्चे को दूध पिलाते समय मां के आंचल को साफ करके हेड हाई करके जो प्रॉपर पोजिशन है उसमें ही आप बच्चे को मां का दूध पिलाएं। दूध पिलाने के बाद ध्यान रखें कि बच्चे को अपने कंधे के लगाकर उसको बर्पिंग कराएं, डकार दिलाएं, 5 से 10 मिनट तक आप लगाएं ताकि बच्चे को डकार आ सके। और इससे बच्चे को उल्टी नहीं होगी, बच्चा उबकाई नहीं लेगा, बच्चे का पेट नहीं फूलेगा, बच्चे को गैस नहीं बनेगी, क्योंकि दूध पीते समय बच्चा कुछ गैस अपने साथ ले लेता है, हवा अपने साथ ले लेता है तो वो इससे निकल जाती है। और ध्यान रखें कि यह जरूर कराएं अन्यथा बच्चे को दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ बच्चा दूध पीने के साथ इस समय सोता बहुत ज्यादा है और दिन में 16 से 18 घंटे बच्चे को पूरी नींद लेनी होती है, तो ध्यान रखें बच्चे का जो एनवायरमेंट है वो बिल्कुल काम होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए। और हो सके तो रात के समय या दिन के समय भी अगर बच्चा सो रहा है तो लाइट कम से कम रखें। साथ ही साथ बच्चे को जो दूध पिलाने के लिए आप उठा सकते हैं, डायपर चेंज करना है तो उसके लिए आप उठा सकते हैं, अदरवाइज कोशिश करें कि आप बच्चे को नहीं उठाएं। बस हाँ, उसकी पोजीशन जरूर चेंज करते रहें, आप उसके हेड की पोजीशन को एक ही एक दिशा में नहीं सुलाए रखें, हेड की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, बच्चे को उल्टे से सीधा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि बच्चा अगर उल्टा सो रहा है तो आप उसका ध्यान रखें, उसको बिल्कुल भी नजर से बाहर ना होने दें, क्योंकि इससे दिक्कत बच्चे को हो सकती है सांस रुकने की। साथ ही साथ बच्चा रात में ज्यादा जगता है और दिन में सोता है, तो रात में ज्यादा रोना एक सामान्य प्रक्रिया है जो धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन बच्चा अगर रात में ज्यादा जगता है तो आप लाइट को अधिक से अधिक बंद रखें, शांत वातावरण रखें, तो बच्चा आराम से धीरे धीरे चेंज करने लग जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखें कि बच्चे के पेशाब कितनी बार जा रहा है, तो 6 से 8 बार नॉर्मली बच्चा पेशाब जाता है, इससे कम अगर जाता है तो ध्यान दें, अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा 6 से 8 बार पेशाब जा रहा है तो इसका मतलब बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है और बच्चा आपका स्वस्थ है। लेकिन शुरुआती 24 से 48 घंटे में हो सकता है बच्चा आपका पेशाब नहीं जाए, क्योंकि ये बच्चे की किडनी मैच्योर होने में इनिशियली टाइम लगता है और वो जब किडनी नॉर्मल फंक्शन में आती है तब ये 6 से 8 बार जरूर जाता है। साथ ही साथ आपके बच्चे के पेशाब जाने के साथ अगर बच्चे का वजन भी बढ़ रहा है तो यह प्रक्रिया है कि आपका बच्चा आराम से दूध पी रहा है, बच्चे की ग्रोथ सही चल रही है। अब देखें आप, बच्चा पॉटी जा रहा है, बच्चे का पॉटी जो शुरू में जाता है वो काली या थोड़ी हरी सी होती है, वो जिसे कि हम मैकोनियम कहते हैं, वो इनिशियल 24 घंटे में पास कर लेनी चाहिए। अगर वो नहीं करती है या बच्चे का पेट फूलता है इस समय तो आपको ध्यान रखना है कि कोई दिक्कत हो सकती है, आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं कि बच्चा पॉटी क्यों नहीं गया 24 घंटे के अंदर अंदर। साथ ही साथ ध्यान रखें कि बच्चे जब पॉटी जाता है तो 2 से 3 दिन में वो पीलापन ले लेने लग जाता है, और जब आप बच्चे के पॉटी की सफाई करें तो विशेष ध्यान रखें उसे बहुत ज्यादा रगड़े नहीं और आगे से पीछे की तरफ वाइप करें, पीछे से आगे कभी नहीं करें क्योंकि उसके पेशाब में इंफेक्शन होने का खतरा हो सकता है। साथ ही साथ बच्चे के डायपर को चेंज करें समय समय पर,
जैसे ही डायपर गीला हो, चाहे आप कॉटन नैपी यूज कर रहे हैं या फिर सिंथेटिक बाहर के बाजार के डायपर यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको जैसे ही वो गीले हों उनको चेंज कर दें। बाजार के डायपर को भी आपको 3 से 4 घंटे में चेंज करना है, क्योंकि बच्चा काफी पेशाब करता है शुरू में, और जैसे ही लैट्रिन अगर कर लेता है तो उसको तुरंत चेंज करना होता है। अगर बच्चे को डायपर की वजह से रैशेस हो रहे हैं तो आप बच्चे को कोकोनट ऑयल या फिर रैश क्रीम भी आप लगा सकते हैं पेशाब वाली लैट्रिन वाली जगह पर, और नहीं है तो भी अगर बच्चे को थोड़ी बहुत लालिमा भी अगर दिख रही है तो भी आप लगा सकते हैं, यह बच्चे के लिए बेनिफिशियल ही रहेगी। साथ ही साथ बच्चे को अब आती है नहलाने की बारी, तो बच्चे को नहलाने में शुरू के 7 से 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको शुरू के 7 से 10 दिन तक बच्चे को नहलाना नहीं है, सिर्फ सोकिंग या स्पॉन्जिंग करनी है, गीले कपड़े को अच्छे से निचोड़कर आपको पूरे शरीर को वाइप करना है। दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें बच्चा इस समय बहुत डेलिकेट होता है, उसको ठंड ना लग जाए तो सोक करें। और अम्ब्लाइकल कॉर्ड का इस समय विशेष ध्यान रखना होता है, उस जगह आपको ड्राई रखना है, अम्ब्लाइकल कॉर्ड को टच नहीं करना है, नहीं तो उसमें इन्फेक्शन होने का काफी ज्यादा खतरा होता है। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि जो आपकी गर्भनाल या अम्ब्लाइकल कॉर्ड है वो ड्राई रहे और उसमें किसी भी प्रकार से कोई गीलापन नहीं रहे, क्योंकि अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया तो बच्चे के लिए दिक्कत वाला हो सकता है। और 7 से 10 दिन के बाद आप ध्यान रखें कि बच्चे को आप 1 से 2 बार, जब आपके अम्ब्लाइकल कॉर्ड बच्चे की गिर जाती है तो आप 1 से 2 बार दिन में नहला सकते हैं, और उस समय आप गुनगुने पानी से या फिर एक नॉर्मल टेम्परेचर से जो मौसम के अनुसार है आप लेकर बच्चे को नहलाएं, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि बच्चे को ठंड या अधिक गर्म पानी से नहीं नहलाना है। और गर्भनाल का विशेष ध्यान रखना है कि गर्भनाल में यदि किसी प्रकार की पस पड़ गई है, गर्भनाल के चारों तरफ देख लेना है कि कोई पस तो नहीं निकल रही है, गर्भनाल के चारों तरफ या अम्ब्लाइकस के चारों तरफ कहीं स्किन का रेडनेस तो नहीं हो रही है या फिर वहां पर कोई सूजन तो नहीं आ रही है, ये इन्फेक्शन के खतरे हो सकते हैं, तो इसको तुरंत आप अपने डॉक्टर सलाह करें। साथ ही साथ इसके बाद जब बच्चा आपका थोड़ा बड़ा होने लग जाता है, 10 से 12 दिन का अगर है, तो आप बच्चे को मसाज दे सकते हैं। मसाज में आपको ध्यान रखना है कि मसाज देते समय एक तो एनवायरनमेंट बच्चे के अनुरूप होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर सर्दी का मौसम है तो आप धूप में बाहर बैठकर भी हल्के हाथों से बच्चे को कोकोनट ऑयल से या फिर कोई अन्य बादाम के तेल से भी आप ले सकते हैं, उससे आप हल्के हल्के हाथ से मसाज करें। कोई बहुत ज्यादा बहुत गहरी मसाज नहीं करनी है, बहुत तेज तेज से बच्चे के हाथ पैरों को नहीं खींचना है, और मसाज करने के 10 से 15 मिनट बाद बच्चे को नहला सकते हैं। इससे बच्चा स्वस्थ फील करेगा, अपने आप को एनर्जेटिक फील करेगा, यह बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अब बच्चे के नेल्स का आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में बच्चे की स्किन और नेल्स बहुत डेलिकेट होते हैं तो आपको शुरू में नहीं काट सकते हैं, तो उस समय आप ध्यान रखें कि आप हो सकता है मिटन्स का प्रयोग कर सकते हैं, मिटन्स बच्चे के हाथ में पहना सकते हैं ताकि वो अपनी स्किन को आपकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाए। और 1 महीने के बाद आप बच्चे के नाखून को रेगुलर इंटरवल पर नेल कटर से काट भी सकते हैं। साथ ही साथ अब बच्चा आपका अगर बड़ा है तो टमी टाइम पर आपको ध्यान देना है कि आप बच्चे को पेट के बल लिटाना है, इसे हम टमी टाइम कहते हैं। 2 महीने का जब बच्चा होने लग जाता है तो बच्चे को उल्टा पेट के बल लिटा दें, लेकिन ध्यान रखें यह आपकी नजरों के सामने ही होना चाहिए, आपके पीछे से बच्चे को उल्टा नहीं लिटाना है। साथ ही साथ इससे क्या फायदा होगा कि बच्चे की गैस निकल जाएगी, बच्चे की नेक की मसल, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे गर्दन संभालने लगेगा तो नेक की मसल, ट्रंक की मसल ये स्ट्रांग होने लग जाएगी और ये मजबूत होने लग जाएंगी, इससे बच्चे को काफी फायदा मिलता है। और ध्यान रखें बच्चों पर किसी भी प्रकार के बहुत तेज स्मेल वाले कोई भी प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करें, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर करें जो कि एडल्ट के लिए स्पेशल बने। बच्चों के लिए अभी सारे प्रोडक्ट्स अलग से बनते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन की पीएच अलग होती है और उसके हिसाब से साबुन, तेल, सर्फ वगैरह सब इत्यादि काम में बनते हैं, बच्चों की क्रीम वगैरह सब अलग होती है, तो आप उनको उसी हिसाब से यूज में लें। और ध्यान रखें कि बच्चों को अगर कोई गंभीर लक्षण, जैसे बहुत तेज फीवर आ रहा है, उल्टी हो रही है बार बार, बच्चे को बहुत पतले दस्त हो रहे हैं, बच्चा नीला पड़ रहा है, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, बच्चे को हाथ पैरों में झटके आ रहे हैं या आंखें फेर रहा है, बच्चे के मुंह से झाग आ रहे हैं, शरीर के किसी भी मुंह से, नाक से या लैट्रिन वाले रास्ते से कहीं से खून आ रहा है, बच्चे की सांस में तकलीफ हो रही है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, सुस्त हो गया है, बहुत ज्यादा सो रहा है या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, तो हो सकता है ये किसी गंभीर परेशानी के लक्षण हो, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं।
अब आपको बच्चों को हेड से टो तक आपको किन ख्यालों को रखना है, जैसे आपका बच्चा जन्म के समय जब जन्म लेता है तो सिर पर आगे और पीछे की तरफ दो बहुत ही डेलिकेट स्पेस होते हैं जो कि आप टच करके देखेंगे तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, ये धीरे धीरे बच्चे के बाद में भर जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये इसमें अगर किसी प्रकार की सूजन हो तो आप टच करके देख सकते हैं नहाते समय, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर प्रेस ना करें, किसी तरह की इंजरी ना होने दें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, किसी की चोट ना लगे, और अगर कोई सूजन है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिले कि ये क्यों सूज रहा है, क्योंकि ये इन्फेक्शन का वो सिम्टम्स हो सकता है। बहुत ज्यादा धसी हुई हो तो ये डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखें। साथ ही साथ बच्चे के हेड साइज को गोल बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, आप सरसों के तकिए का उपयोग कर सकते हैं, और सुलाते समय आप सरसों के तकिए पर बच्चे को सुलाएं, साथ ही साथ उसकी हेड की पोजीशन को चेंज करते रहे, जिससे कि बच्चे के सर की शेप, क्योंकि अभी बच्चे की सारी सर की हड्डियां जुड़ी हुई नहीं होती है तो वो धीरे धीरे शेप लेती हैं, तो वो धीरे धीरे शेप ले लेंगी। एक बच्चे को अगर कभी जन्म के समय एक सर पर कोई सूजन है तो जो कैपट होती है वो हो सकती है, अपने डॉक्टर से बात कर लें, यह सामान्यतः धीरे धीरे 6 से 7 दिन में या 2 सप्ताह में कम हो जाती है, इसके बारे में चिंता नहीं करें, लेकिन अपने डॉक्टर से जरूर बात करें कि यह क्या है। इसके साथ साथ ही आप आते हैं आई पर, तो बच्चों की आईज का आपको बहुत ख्याल रखना है, अगर बच्चे की आईज में किसी प्रकार की रेडनेस है, बच्चे की आंख से बहुत ज्यादा आंसू आ रहे हैं, पस आ रहा है, आंखों में सूजन है, या आंखों में कहीं पर लाल थक्का आपको दिखाई दे रहा है, आंखें बच्चे की पीली नजर आ रही हैं, तो ये आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। साथ ही साथ ध्यान रखना है बच्चे को आंखों में किसी प्रकार का कोई काजल या सुरमा नहीं लगाना है, या बच्चे को इन्फेक्शन कर सकता है। आंख के बाद हम देखते हैं नाक पर बच्चे की, तो बच्चे के नाक में ध्यान रखें कि बच्चा नाक से किसी प्रकार का नाक बंद होती है तो सांस में तकलीफ हो सकती है, तो नाक को देख लें कि बच्चा प्रॉपर तरीके से सांस ले रहा है, और नाक बंद होने पर आप नेजो क्लियर ड्रॉप का आप उपयोग कर सकते हैं, दोनों नाक में अच्छे से 2-3 बूंद अच्छे से डाल के आप बच्चे को हर 2-3 घंटे में डाल सकते हैं, जिससे कि नाक खुली रहे और बच्चा दूध पीने से पहले अगर आप इसे डालेंगे तो अच्छे से दूध भी पिएगा, खुलकर दूध पिएगा। साथ ही साथ बच्चे के माउथ केयर को भी आपको ध्यान रखना है, माउथ केयर में आप देख सकते हैं दूध पिलाने के बाद यूजुअली जो जीभ है उस पर सफेद सफेद दूध जम जाता है, कभी कभी यह ओरल थ्रस्ट या फंगल इन्फेक्शन का कारण भी हो सकता है, तो आप उसे दूध पिलाने के बाद एक सफेद कपड़े से उंगली पर कपड़ा लपेट कर सफाई भी कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि यह दूध ही है, कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन का वो नहीं है, लक्षण नहीं है, तो इस चीज का भी माउथ केयर का ध्यान रखें, क्लीन करते रहें। साथ ही साथ फेस पर देखें, बच्चे के लाल लाल दाने इनिशियली पड़ सकते हैं, जो कि बच्चा नए एनवायरनमेंट में आता है तो वो एक नॉर्मल होता है, इसे आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं पर बच्चे के दानों में लाल दाने बहुत ज्यादा हैं या फिर उभरे हुए हैं और उनमें पस पड़ा हुआ है तो यह इन्फेक्शन का कारण हो सकते हैं, आप इसके लिए भी डॉक्टर से मिलना आपको जरूरी है। अब आपको देखना है जो बच्चे के नेक फोल्ड हैं, हाथ के फोल्ड हैं, आपके गर्दन के फोल्ड हैं, पेट के फोल्ड हैं, पैर के फोल्ड हैं, ये सभी फोल्ड बच्चे के, क्योंकि बच्चा पेट में फोल्डेड रहता है तो इन फोल्ड्स में बच्चे के गंदगी जमा होने का चांसेस रहते हैं, तो इन फोल्ड को ड्राई रखें, इनमें किसी प्रकार की नमी नहीं आने दें, सफाई रखें, साफ कपड़े से साफ करते रहें, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं होगा, अदरवाइज इनमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है। साथ ही साथ बच्चे के ट्रंक पे आप देखें कि जैसे स्पेशली बच्चे के छाती में आप देखेंगे कि किस प्रकार तेज तेज सांस ले रहा है, या बच्चे के छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं सांस लेते समय, तो यह भी लक्षण आपके डेंजर हो सकते हैं, तो ध्यान रखें। साथ ही साथ जो फीमेल चिल्ड्रंस होती हैं उनमें जो बच्चे की निप्पल्स हैं वो सूजी हो सकती हैं, उनसे दूध भी निकल रहा हो सकता है, तो यह माँ के हार्मोन के कारण होता है इनिशियली, इनको आप दबाएं नहीं, इनको टच नहीं करें, दूध नहीं निकालें, इससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है, यह नॉर्मल होता है, सामान्यतः ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आपको ध्यान रखनी है एब्डोमन केयर, जिसमें कि स्पेशल है कि आप कॉर्ड केयर आपको ध्यान रखनी है, अम्बिलिकल कॉर्ड का ध्यान कैसे रखना है मैंने आपको पहले बताया है, उसको टच नहीं करें, गंदा नहीं होने दें, गीला नहीं होने दें, साथ ही साथ उसको आप जबरदस्ती आपको खुद गिरने दें, वो ड्राई होकर अपने आप गिरती है, आपको उसको हटाना नहीं है किसी प्रकार से, उसमें किसी प्रकार की सूजन, लालिमा या ब्लीडिंग हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, और उसको हो सके तो जो कपड़े आप पहनाते हैं, जो डायपर आप पहनाते हैं उससे नीचे पहनाएं, हमेशा अम्बिलिकल कॉर्ड के नीचे बांधें डायपर को, और ऊपर जो कपड़े पहना रहे हैं तो वो उससे थोड़े से ऊपर बांधें, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, अन्यथा वो उलझकर उसमें इंजरी होने का खतरा रह सकता है।
इसके साथ साथ ही बच्चे के हाथ पैरों में आप देखें कि आप बच्चे की चारों हाथ पैरों की एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल है या नहीं है, मूवमेंट प्रॉपर है या नहीं है किसी प्रकार की। अगर किसी हाथ पैर की, एक हाथ पैर की मूवमेंट कम है या दो हाथ पैरों की मूवमेंट कम है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें कि यह हाथ पैरों की मूवमेंट स्पेशली कम क्यों है, क्योंकि यह भी एक किसी बीमारी का लक्षण हो सकते हैं, किसी इंजरी का लक्षण हो सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे की आप देखें कि जेनिटेलिया में कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, जैसे कि आपके बच्चे के टेस्टिस बने हुए हैं नहीं है, दोनों टेस्टिस प्रॉपर है कि नहीं मेल चाइल्ड में, अगर नहीं है तो आप डॉक्टर से मिलें। कभी कभी फीमेल चाइल्ड्स में जो वेजाइना है उनके, उससे ब्लीडिंग हो सकती है, ये नॉर्मल होती है, ये माँ के हार्मोन के कारण हो सकती है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं, चिंता नहीं करें बहुत ज़्यादा और घबराएं नहीं। इसके साथ साथ ही बच्चे की स्पाइन का भी आप ध्यान रखें कि स्पाइन कहीं से टेढ़ी तो नहीं है, कोई स्पाइन में किसी प्रकार का बेंड तो नहीं है, या कहीं पर कोई सूजन तो नहीं है, स्पाइन से कुछ बाहर तो नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी अगर कुछ है तो भी आप अपने डॉक्टर से मिलें। तो साथियों, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, और बच्चे में अगर कोई भी आपको गंभीर लक्षण या कोई ऐसे अनयूजुअल लक्षण दिख रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। और अगर आप मुझसे कोई सलाह लेना चाहते हैं तो यहाँ नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स लिखकर भी आप मुझे बता सकते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी आपकी सारे सवालों का जवाब दे सकूं। तो साथियों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें कि आप और इसमें क्या जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ इसको वीडियो को उन सभी को शेयर करें जो कि अभी माँ बने या जिनके छोटे बच्चे हैं, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।